सब्सक्राइब कीजिए सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आप पा सकें सभी गवर्नमेंट जॉब और एडमिट कार्ड की अपडेट सबसे पहले। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने रेलवे एएलपी एग्जाम 2018 से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर के। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं खुशखबरी के बारे में। और जैसा कि आप सभी को बता दें, यहाँ पे RRB ने यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने यहाँ पे एक नई नोटिस जारी कर दी, जिसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट्स की आधी टेंशन खत्म हो गई। और जैसा कि आप सभी को मालूम है और अब तक आप सभी ने देख चुके होंगे कि यहाँ पे कुछ दिन पहले यानी कि परसों यहाँ पे रेलवे ने एक नोटिस जारी की थी कि आपके 26,502 पोस्ट की वैकेंसी को 60,000 कर दिया गया था। दोस्तों, ये आपके भले ही आपको 34,000 बढ़ेगा, लेकिन आपको बता दें कि ये आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी सौगात है सभी एएलपी कैंडिडेट्स के लिए। क्योंकि जैसे कि यहाँ पे आप मान सकते हैं, अगर इसको 26,000 से 60,000 किया गया है, तो आप इस चीज़ को सोचें कि आपका एक सीट की दावेदारी कम हो गई है। पहले 170 थी, तो वहीं पे अब ये 130 के आसपास आकर के रह गई है। और कंपटीशन अब थोड़ा सा लो हो गया है आपका, मतलब 60,000 वैकेंसी हो गई, 47,00,000 आवेदन आए हैं। और इसी के साथ ही साथ दोस्तों, आपके सामने बहुत ही बढ़िया चांस है इन सीट को रिजर्व करने का, मतलब अपने लिए रेलवे में नौकरी पक्की करने का। और इसी के साथ ही दोस्तों, कौन सी नई नोटिस की हम बात करें, इसकी भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों, अब बात करते हैं आज की नई नोटिस के बारे में। तो दोस्तों, इस नई नोटिस की पूरी डिटेल और पूरी जानकारी हम आपको देंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, पूरी डिटेल और पूरी जानकारी देखने के लिए, जानने के लिए हमारे संग इस वीडियो में बने रहिएगा एकदम आखिरी तक, ताकि आपको पूरी डिटेल मालूम चल सके। और इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये अपडेट पसंद आती, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे संग जुड़े हैं और पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो फटाफट से सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल को रेड बटन के बॉक्स पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में नोटिफिकेशन बेल का जो घंटे वाला आइकन उसे भी दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, अब बिना देर किए, बिना लेट किए, आइए आगे बढ़ते हैं और आपको लेके चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। और दिखा देते हैं रेलवे RRB की वो नई नोटिस जिससे कैंडिडेट्स की आधी टेंशन तो खत्म ही हो गई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली नोटिस जो यहाँ पे परसों जारी की गई थी, वो आपको सबसे पहले यहाँ दिखा देते हैं, जिसमें 26,502 पोस्ट की वैकेंसी को 60,000 किया गया था। हमने अपने पिछले वीडियोस के माध्यम से भी आपको ये जानकारी बता दी है और आपको sarkariexam.com वेबसाइट पे भी इस नोटिफिकेशन की, इस नोटिस की लिंक मौजूद है। और इसी को बता दें दोस्तों, यहाँ पे आपके रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पे अपना ट्वीट करके भी इसकी पोस्ट को, मतलब 26,502 पोस्ट की वैकेंसी को 60,000 करने की ऑफिशियल जानकारी यहाँ पे प्रूव कर दी। और इसी के साथ ही दोस्तों, अगर बात करें आज की नई नोटिस की, तो दोस्तों आज की नई नोटिस की जानकारी आपको sarkariexam.com के इस RRB ELP टेक्नीशियन एडमिट कार्ड के पेज में मिल जाएगी। और इस पेज की लिंक हमने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, आप वहां से इस नोटिस को चेक कर सकते हैं। और इस नई नोटिस को चेक करने के लिए जब आप इस पेज पे आएंगे, तो उसके बाद आपको सबसे नीचे आना है इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में। और इसके बाद दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे जो लिखा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट नोटिस टू कैंडिडेट्स ऑन एग्जाम लैंग्वेज फॉर फर्स्ट स्टेज CBT। यहाँ पे क्लिक हियर में लिंक है। जब इस क्लिक हियर के लिंक पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने एक इस तरीके का PDF ओपन हो जाएगा, जहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट नोटिस एग्जाम लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, सभी ERP और टेक्नीशियन पोस्ट वालों ध्यान दीजिएगा। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास कई कैंडिडेट्स के मेल आए थे, जिन्हें डाउट था कि सर, मेरा यहाँ पे एग्जाम लैंग्वेज मैंने गलत चूज़ कर ली है यहाँ पे, कि मुझे किस लैंग्वेज में एग्जाम देना होगा, क्या दो ही लैंग्वेज में एग्जाम, मतलब क्वेश्चन आएंगे, क्या होगा, कैसे होगा। दोस्तों, अब इसकी टेंशन एकदम आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जिन भी दोस्तों को यहाँ पे इस तरीके की प्रॉब्लम थी, वो यहाँ पे सॉल्व हो गई है। और यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, RRB ने नोटिस जारी करके बताया है, कैंडिडेट्स मे प्लीज नोट दैट दे कैन चूज एनी ऑफ द लैंग्वेज फ्रॉम द लिस्ट 15 लैंग्वेजेस एज एग्जाम लैंग्वेज बाई टेकिंग द CBT इरिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज ऑप्टेड बाई देम इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब इसका दोस्तों, कि जो भी आपने लैंग्वेज अगर दो सेलेक्ट करी है अपने एग्जाम फॉर्म भरती समय, तो वो भी छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको जब सामने जब CBT का पेपर आएगा, जब आप ऑनलाइन कंप्यूटर सिस्टम में पेपर देंगे, तो उस समय आपके सामने 15वीं लैंग्वेज, मतलब आपके इंडिया में जो भी 15 लैंग्वेज बोली जाती है, जो भी एग्जाम के रूल के अकॉर्डिंग वहाँ 15 लैंग्वेजेस थी, उन सभी 15 लैंग्वेजेस में आपको एग्जाम देने की वहाँ पे आपको छूट दी जा रही है, मतलब एग्जाम देने की इजाज़त है आपको। आप 15 लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज में वहाँ पे एग्जाम अपना पेपर देख सकते हैं और अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ ही दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को बता दें कि RRB ELP टेक्नीशियन एडमिट कार्ड 2018 9 अगस्त से पेपर है और 5 अगस्त से इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और आपका एडमिट कार्ड सबसे पहले डाउनलोड हो जाएगा sarkariexam.com से। जी हाँ दोस्तों, आप अपना RRB ERP टेक्नीशियन एडमिट कार्ड 2018 डाउनलोड कर सकते हैं सबसे पहले sarkariexam.com से। और इसी के साथ ही दोस्तों, रेलवे ERP टेक्नीशियन एग्जाम 2018 से जुड़ी सभी तरीके की अपडेट और सभी टॉपिक की खबर सबसे पहले पाने के लिए, लगातार पाते रहने के लिए विजिट करते रहिए sarkariexam.com और बने रहिए हमारे साथ सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं नई अपडेट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।